मोनोसिम्टोमेटिक हाइपोकॉन्ड्रियाकल डिल्यूजन्स और सोमेटिक डिल्यूजन्स, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार से रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। मोनोसिम्टोमेटिक हाइपोकॉन्ड्रियाकल डिल्यूजन्स या सोमेटिक डिल्यूजन्स, इसमें ये बीमारी में होता है कि उसको एक पक्का विचारों का भ्रम होता है और वो ज्यादातर बॉडी के बारे में होता है और वो उसको हिला नहीं सकते, इतना पक्का होता है उसको। पूरा कोई डाउट रहता नहीं है कि भाई ये बीमारी है या नहीं है, वो तो पक्का ही उसके दिमाग में भी है, बाकी उसको कोई बीमारी रहती नहीं है, सिर्फ इतना ही रहता है। तो इसमें तीन प्रकार के डिल्यूजन्स बताए गए। एक है डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन, इसका मतलब कि भाई कीड़े जो है वो बारीक कीड़े उसके चमड़ी के नीचे चल रहे हैं या घूम रहे हैं, ऐसा उसको सेंसेशन भी होता है, लगता भी है, पक्का भ्रम रहता है। दूसरा है डिल्यूजन ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब उसको लगता है कि भाई मेरे बॉडी के जो पार्ट्स है उसमें कुछ तो भी गड़बड़ है, जैसा दिखना चाहिए वैसा मैं दिखता नहीं हूँ, अगली दिखता हूँ, खराब दिखता हूँ, चेहरा मेरा बराबर नहीं, ऐसा कुछ भी उसको डिल्यूजन रहता है, डिल्यूजन ऑफ बॉडी पार्ट्स। और तीसरा रहता है कि डिल्यूजन ऑफ बैड ऑर्डर ऑफ द बॉडी, मतलब बुरा बास आना बॉडी का। तो ये बुरा बास आना, तो उसको मुंह का बास आ सकता है बुरा, या बॉडी का बास, उसको लगता है कि मेरे बॉडी में से ऐसा कुछ भी बाहर निकल रहा है बास, कुछ भी खराब बास आ रहा है स्मेल, और उसको पक्का विश्वास रहता है। अब ये तीनों भी इसमें उसको कॉन्ट्ररी कुछ भी बोला, जस्टिफाई करने के लिए बोला उसको कि बता भाई कैसा बोल रहा तू, ये काय पर से बोल रहा है ऐसा, तो वो कुछ बात नहीं करता, बोलता मेरे को मालूम है ऐसे ही है ऐसा। हमने यदि उसको काउंटर किया आर्गुमेंट या काउंटर उसको बोला तो वो चिढ़ जाता है, वो इरिटेट होता है। उसको ऐसा बोला कि तू उसका समर्थन कर, तू ऐसा क्यों बोल रहा है वो बता, तो वो बोलेगा नहीं, समर्थन भी नहीं करेगा। हमने पूछा समर्थन करेगा नहीं, हमने पूछा तो इरिटेट हो जाएगा, और खुद का पूरा विश्वास रहता है कि यह है ऐसा ही है। अभी इसमें फंक्शनल जो इम्पेयरमेंट होता है, मतलब काम धंधे में इम्पेयरमेंट होना, काम धंधा नहीं कर सकना, घर में बैठे रहना, फिर लोगों के साथ में मिलना जुलना नहीं, अकेले अकेले बैठना है, तो उसका जो सामाजिक जो मिलना जुलना है वो उसमें फर्क आ जाता है, काम धंधे में फर्क आएगा, काम धंधा नहीं करेगा, कमाई कम हो जाएगी, अकेला रहना है, अकेला बैठे रहना है, अपने दिमाग में रहना है अंदर, तो ऐसा व्यक्ति एक लोगों के ऊपर बोझ हो जाता है, लोगों को समझता नहीं कि इसका करे क्या घर में बैठे हैं तो, और इसका इलाज करना जरूरी है, खुद इलाज करने को तैयार नहीं है, जबरदस्ती उठा के इलाज करना जरूरी है। ये जो चमड़ी के नीचे जो कीड़े हैं ना, ये ज्यादातर एजेड लोगों को होता है, जिनकी उम्र ज्यादा है 60-65 साल के ऊपर। इसमें मेडिसिन बहुत अच्छे काम करते हैं, और मेडिसिन से देते हैं तो मेडिसिन से कंप्लीट रिकवरी संभव है। उसके साथ साथ साइकोथेरेपी, सपोर्टिव साइकोथेरेपी है, हिप्नोथेरेपी है, और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।